भारत माता की, भारत माता की। संडे के संडे आप देखते हैं किस तरीके से पूरे देश भर के लोग आते हैं और पानी से पैसा किस तरीके से कमाते हैं वो आप देखते हैं। बिना मशीनों के आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेके और अच्छा खासा अपना बिजनेस कर सकते हैं। 10 से 20,000 में ये इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है और बिना मशीनों के ये शुरू। मेरा नाम मोनू है जी और मैं दिल्ली से आया हूँ। यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी, इससे पहले भी मैं कुछ सर्च कर रहा था इसके बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कुछ कहाँ से देखें, क्या लें क्या नहीं लें। जिससे भी पूछो अलग रेट अलग तरीके से बता रहा था, तो मैं आपसे मिला आके और मैंने क्लास ज्वाइन करी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? और कहना चाहूंगा जी, देखो जी वीडियो तो हर तरीके से लोग बना रहे हैं, लेकिन सच्ची और अच्छी कोई कोई बना रहा है। सब तो लाइक और व्यूज के लिए बना रहे हैं ज्यादा, लेकिन ये है कि अगर अच्छे लोग हैं तभी तो बुरे आए हैं। तो मैं तो कहूंगा जी, यहाँ पे आइए, सीखिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। खलीलाबाद से आया हूँ सर, मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ और सर्च करते करते पता चला आप बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं जी। तो हम इसलिए आए सर, हम आके बहुत खुशी हुई और आप बहुत हेल्पिंग वीडियो भी बनाते हैं और हेल्प भी जैसे आपका वीडियो में रहता है वैसे रियलिटी में भी है। राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम जीवन कुमार जैन है। आपके यहाँ 3-4 महीने से मैं वीडियो देख रहा था जी। फिर मैंने मन बनाया कि एक बार वहाँ पर चल के देखें, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आपके प्रोडक्ट समझाने का बहुत तरीका बहुत अच्छा है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आके ट्रेनिंग ले और अपना खुद का आत्मनिर्भर व्यापार करें। मैं बलिया जिला से आया हूँ, आपकी बहुत सारी वीडियो देखा, देखने के बाद मैं 2 महीने बाद यहाँ आया हूँ। जो आपने प्रैक्टिकल करके समझाया, आंखों के सामने दिखाया, वो 100% सही है जैसे आपने यूट्यूब में दिखाया था। हम आपकी ट्रेनिंग से बहुत प्रसन्न हैं। लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, यहाँ 100% सफलता मिलेगी। नमस्कार, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। हर संडे के संडे आप देखते हैं किस तरीके से पूरे देश भर के लोग आते हैं और पानी से पैसा किस तरीके से कमाते हैं वो आप देखते हैं। बिना मशीनों के आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेके और अच्छा खासा अपना बिजनेस कर सकते हैं। 10 से 20,000 में ये इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है और बिना मशीनों के ये शुरू होता है। देश भर से आए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आने वाले सभी लोगों का भी स्वागत करता हूँ। काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार बहुत सारे जिलों में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक 5,00,000 रोजगार करने का पैदा करने का हमारा पूरा लक्ष्य है, जिसकी कड़ी में हम लगातार काम कर रहे हैं। बात करवाता हूँ सभी देश भर से आए सभी लोगों से, क्या उनका अनुभव रहा। और आप जो है ना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर जरूर कर दिया करना, और अच्छी बुरी भली या जो भी आपको हमारे से सजेस्ट लगता है तो वो कमेंट जरूर कर दिया करें। देश भर से आए सभी लोगों से बात करवाना चाह रहा हूँ। जी क्या नाम है और कहाँ से आए सर? सर नाम है उपेंद्र मिश्रा और मैं नोएडा से आया हूँ। जी जी जी, पहली बार आया, मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था, मुझे अच्छा लगा, यहाँ करके सारे प्रोडक्ट बनाने का हमने सीखा, बाकी आगे प्रयास करेंगे इनको बनाने का। घर से बिना मशीनों से सबसे अच्छा लगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ इसकी मार्केटिंग करेंगे, मुझे अच्छा लगा यार। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए यह है कि बहुत अच्छा है, जो लोग परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्वरोजगार का साधन बहुत अच्छा है, कम पूंजी में बहुत आराम से एक रोजगार तैयार किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए किसी की नौकरी के पीछे मत भागिए, रिटायरमेंट तो अपने बिजनेस में कोई कभी होता ही नहीं है। किसी और की नौकरी करेंगे तो आप जहां से खत्म करेंगे वहां से आपके बच्चे शुरू नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस में आप जहां से खत्म करेंगे वहीं से आपके बच्चे शुरू करेंगे। कह सकता हूं कि बिजनेस करिए, अपना खुद का मालिक बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, किसी के पीछे मत भागिए। 10-20 हजार की नौकरी को आप इतना बड़ा मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है, कहां से आए? मेरा नाम अरविंद तोमर है, मैं बागपत से आया हूँ और मैं काफी टाइम से वीडियो देख रहा था, लेकिन लास्ट में हिम्मत उठा के मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे। पहले थोड़ा संशय था मन में, लेकिन वो भी दूर करके फिर आया हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना बिजनेस अच्छे से चला सकूं।
कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी हमारा अभी गर्मियां स्टार्ट हुई है, तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपको गर्मी लगेगी कुछ होगा। सामने हमारी फैक्ट्री है, गोदाम है, आप देख सकते हैं सारी चीजें एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे, आपको रॉ मटेरियल पैकिंग पाउच डॉक्यूमेंट स्टीकर से लेकर सारी समस्याओं का भी एक जगह समाधान मिलेगा। आप आइए, देश भर से आइए, कहीं से भी आइए, हर संडे संडे आइए। 3100 रुपए फीस होती है, जिसमें खाना नाश्ता डिप्लोमा सर्टिफिकेट बुकलेट और आपको रात को रुकने की व्यवस्था और आपको हेल्प भी होती है। आपको यहाँ के आपको लगा कि कहीं कुछ अलग है, कुछ ऐसे जंगल पंगल में कहीं नहीं सर, जैसे हम देखे थे जो लोकेशन भेजा गया था वैसे ही है सर, हम बाहर से ही पहचान गए यही है। अच्छा, अब मैंने कोई फोर्स किया कि आप मशीन खरीदिए कि भैया बिना मशीनों के बनेगा ही नहीं और भैया बिना मशीनों के तो होगा ही नहीं? नहीं सर, आप हाथ से हर चीज बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि देखिए बिना मशीनों के बनाइए, मशीनों में जब आप इन्वेस्टमेंट ही कर देंगे तो फिर माल कहाँ से खरीदेंगे? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मशीनों के पीछे भाग रहे हैं भैया मशीन खरीदे इनके बिना तो बनेगा ही नहीं और भैया आ जाओ ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांत तरीके से कुछ ही पैसे में डंडे से आप हिला के आप अपना काम कर सकते हैं। वही काफी समय से आपका वीडियो देख रहा था, आज ही इधर आने का मौका प्राप्त हुआ है। जो भी आपने सिखाया बड़े अच्छे ढंग से सिखाया, घर की सी बात होती है ऐसा कुछ नहीं है। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा, जिस भाई को कंपनी में रोजगार शुरू करना है वो ये काम को सीखे और अपने काम को आगे बढ़ाए। इसमें मार्जिन की कमी नहीं है, स्कोप की कमी नहीं है, कहीं भी घुस जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, हर जगह कोई मना नहीं कर सकता। हाँ सही बात है। बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरे पास आये भानी मंडी झालावर जिले से आई हूँ, मेरा नाम अनिता जैन है। नहीं, महिलाओं के लिए तो बोलना पड़ेगा जी, आप महिलाओं के लिए क्या क्या अच्छी बात बोलेंगी? ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आगे अपने घरेलू अच्छा है ताकि उसको आगे बढ़ सके, छोटा सा शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी तो कह सकती हैं कि महिलाओं आ जाओ, क्योंकि आपके संबंधित काम है और हर घर में इसको 10-20-50-100-200-500 घरों में घुस जाओ और कम से कम पैसे कमा लो घर में, ज्यादा है तो ये तो परफेक्ट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आएंगे? मेरा नाम गजेंद्र नाम है, मराज से हूँ। आपकी जो वीडियो देखते मैंने देखा, काफी समय से देख रहा था जी। सच करी तो आपकी वीडियो के जो प्रोडक्ट थे वो अच्छे दिखा दिए और उनके मन लगा काम करने का तरीका आपका सबका अच्छा है, इसलिए मेरा आने का यहाँ का कष्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? सर मेरा नाम विशाल बाबू है, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आया। देख रहा हूँ सर मैं कि आपका वीडियो 4-5 साल नहीं है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ट्रेलर बनने की कुछ। बस और कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, अभी तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या होता है? किताब सिंह नाम है सर, फिरोजाबाद से आया हूँ। आप लोगों की मतलब वीडियो देखता था यूट्यूब से और मतलब देख के मतलब इधर आया सीखने के लिए और मेरे को बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिल रही है और भी लेता रहूंगा, मतलब इधर आता रहूंगा, अच्छा लगता है मुझे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या मैम? अंतिमा देवी नाम है, बिहार से आई हूँ, पश्चिमी चंपारण जिला से, बेतिया से। ये सब चीज बहुत अच्छा है, आप लोगों के सहयोग से आए हैं देखने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अच्छा, बिहार में तो इतनी महिलाएं ये सोचती है कि घर से बाहर निकलेंगे तो ये वो है, तो तुम तो वहाँ से निकल के आएगी? जी सर, हमें परेशानी है, हम बीमार वाला आदमी है, एक लड़के है, वो अभी कमाने वाला नहीं है, इसी वजह से मुझे आना पड़ा ये सब देखने के लिए, अभी बच्चा है उसी वजह से लेके आना पड़ा हमें। हिम्मत जुटाई आप जी। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे सब महिलाएं आए देखे अपना करे कुछ काम आगे बढ़ाए, अपना आप निर्बल हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ, आपके यहाँ के मेरे को बहुत खुशी हुआ कि आप पूरा प्रैक्टिकल करके हमें सिखलाए और हम आपसे आशा करते हैं कि युवा लोगों को आप ज्यादा ज्यादा रोजगार के बारे में सिखा सके और युवा लोग इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप कम पूंजी में ज्यादा प्रॉफिट वाली बिजनेस सिखा रहे हैं, न बिजली की जरूरत है न मशीन का जरूरत है, यहाँ आकर सीखे और अपना धंधा सही से करे, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। धंधा है बिजनेस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक शर्मा है, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा जी। आगे देखेंगे ट्रेनिंग लिए काम करके, फिर अपनी खुशी होगी।
लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए कहेंगे कि आगे वो भी सोचे और अपना करें तो आगे बढ़े, ये ना सोचे कि कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, जब तक सोच में मुश्किल है तो जब तक मुश्किल है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं बलिया जिला से आया हूँ। आपकी बहुत सारी वीडियो देखा, देखने के बाद मैं 2 महीने बाद यहाँ आया हूँ। जो आपने प्रेडिकल करके समझाया, आंखों के सामने दिखाया, वो 100% सही है जैसे आपने यूट्यूब में दिखाया था। हम आपकी ट्रेनिंग से बहुत प्रसन्न हैं। लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, यहाँ 100% सफलता मिलेगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देशराज है, मैं नेपाल से हूँ। आपका वीडियो 1-1.5 साल से देख रहा था, तब यहाँ दिल्ली आए थे, इसीलिए आपके यहाँ मिलने के मौका भी, ट्रेनिंग लेने का मौका भी मिला। तो ये मेरे लगता था कि पहले कोई मशीन वगैरह कोई दुनिया हो चाहिए, अब कुछ भी नहीं, ऐसे हाथों से सब काम हो जाता है। यहाँ से जाके नेपाल जाके और भी लड़के को भी बोलूंगा, मेरे जैसे युवा को भी बोलूंगा कि काव्या चैरिटेबल जाओ, काव्या चैरिटेबल से कुछ ज्ञान लेके आओ, जितना हम सके तो उतना हम सिखा भी देंगे, यही बोलेंगे। वैसे नेपाल में बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए और काम कर रहे हैं जनकपुर में, और बहुत सारी जगह हैं जो मैं खुद जाके भी आया था वहाँ पे। आत्मनिर्भर भारत यात्रा में कह सकता हूँ कि कहीं से भी आइए, अपना खुद का रोजगार शुरू करिए, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक बार ट्रेनिंग लेनी है, बार बार आपको यहाँ नहीं आना है, और सपोर्ट पूरी लेनी है, जिससे आपका आने वाले समय में बहुत सारा फायदा होगा, अपने परिवार को रोजगार मिलेगा और सबको मिलेगा। जी, कहाँ से आए, क्या नाम? मेरा नाम कैलाश है, मैं दतिया से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। और आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे कई बार देखा मैंने, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने के प्रयास किया, आज यहाँ आया, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखा मैंने। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोग आए यहाँ देखें और अपना रोजगार शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला से हूँ। आपका वीडियो लगभग मैं साल भर से देख रहा हूँ, बट टाइम नहीं निकल रहा था। एक्चुअली मैं स्कूल चलाता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं स्कूल के साथ साथ कुछ और आउट इनकम का सोर्स देखूँ। अच्छा लगा आपके यहाँ आके, बढ़िया से समझ में आया। युवाओं के लिए क्या कहना? युवाओं के लिए यही कहेंगे, गवर्नमेंट नौकरी के पीछे ना भागें, घर से निकलें, रास्ते में थोड़े धक्के जरूर लगेंगे, लेकिन यहाँ आके सफलता मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं क्या कहते हैं? मेरा नाम आदित्य है, मेरी उम्र 18 साल, मैं अभी 12th पास आउट हुआ हूँ। मैं आपकी वीडियो काफी देर से देख रहा था यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगा, मैं आया, प्रैक्टिकल भी करा, मम्मी भी आई है साथ में। तो मतलब देख के ये है कि थोड़ा शुरू में दिक्कत लगेगा, मतलब ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा, पर आप पूरी हेल्प करेंगे बता रहे थे जैसे, तो अच्छा है, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट वाला है, और काफी कम पैसों में चालू कर सकते हैं एक मतलब मिडिल क्लास आदमी। पैसों की कठिनाई से ये नहीं है कि रुक जाएगा, कर सकता है इतना। युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? और आप नौकरी के पीछे भागते हैं, बिजनेस? जी मैं तो बिजनेस के पीछे ही मतलब अपना करियर सेट करना चाहता हूँ। पास आप साथ में पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि पूरे दिन आपको लगे रहना है, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं। बाकी अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, और फिर भी वही कहूंगा कि रिटायर बिजनेस पे अपना कुछ होता ही नहीं है। आदमी जहाँ से आप खत्म करेंगे वहां से आपके बच्चे शुरू करेंगे। आज आप अगर एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, आने वाले समय में वो बहुत बड़ा पौधा होगा, आप तो फल खाएंगे, आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा उसमें सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जाविर हुसैन नाम है, मंदसौर का, MP से। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और आप भी बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसे, और मैं तो लोगों से यही कहना चाहता हूँ यहाँ आए और सीखे, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में सिखा रहे हैं, आराम से आप अपना सीखे, अपना बिजनेस शुरू करें, और यहाँ पे कोई ऐसा कोई झोल कुछ ही नहीं है, सब रियल है, जो भी है सब सारा कुछ रियल है। और एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपके लिए, एक ही छत के नीचे आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये हमारी फैक्ट्री है, ये सारा रॉ मटेरियल गोदाम पूरा सारा सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। गर्मी की वजह से मैंने एक नया ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था, ये वाला, अब यहाँ देख सकते हैं आराम से लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत सारा माल उसके अंदर है, एक ही छत के नीचे सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये सारा ट्रेनिंग सेंटर हमने नया बनाया था, और सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। एक और रह गए, क्या नाम है जी, कहाँ से आया? नमस्कार जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो मामा जी आए थे, उनके साथ आया था मैं। क्या कहना था? लेकिन इधर आके अच्छा लगा, मतलब आपकी जो हॉस्पिटलिटी है अच्छी है, मतलब आप जैसे बिहेव कर रहे हो, पूरी टीम आपकी बिहेव कर रही है, काफी अच्छे से बिहेव किया, और आपने एक्सप्लेन भी काफी अच्छे से की है सारी चीजें। युवाओं को क्या करना जा रही थी? एक्चुअली मेहनत करनी चाहिए, बाकी किसी फील्ड में करो, बस दिल से करनी चाहिए, सफल हो जाओगे, लाइन बना के करनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से पधारे सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, और हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए, आपके सपनों के लिए बनाए, क्योंकि 5 लाख रोजगार हमें पैदा कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से आप देखते हैं हर वीडियो में।
बहुत लंबा हमें जाना है, आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। और हम लोग देखिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत इच्छा है हमारी, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले नेवी की नौकरी छोड़ दी और सेवा में पूरी तरह से मैं आ गया हूँ। 3-4 साल से हम लोग काफी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चलती है आप देखते होंगे। और लास्ट में एक ही बात रह जाती है जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आनंद आना चाहिए जी, पूरा देश भर में जाना चाहिए। ऐसे ही हम लोग आनंद के साथ साथ आपको पूरा आत्मनिर्भर बनाते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर बनना, और आराम से आप धुआंधार आपसे भी कमाना आपको बताते रहेंगे, और पानी से पूरा पैसा किस तरीके से कमाते आपको सबको पता है। आइए हर संडे के संडे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, सीखिए और आजीवन अपना एक पौधा लगाइए जो आने वाले समय में आपको फल देगा और आपके बच्चों को जरूर देगा। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।